हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है दोस्तों। तो हम लोग ना सुबह 5 बजे उठते हैं, मैं और मेरे बाबू का पापा दोनों मॉर्निंग वॉक करते हैं दोस्तों। तो हम और सभी जगह घूम कर आए, उसके बाद घर के पास थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ मैं। तो ये उसी टाइम का वीडियो है दोस्तों। तो मेरा ये डेली का रूटीन है, लेकिन आज मैं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। सुबह सुबह ना थोड़ा टहल लेने से एकदम माइंड फ्री हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह का मॉर्निंग वॉक मेरा हो गया दोस्तों। करीब 5:30 बजे का ब्लॉग है ये, क्योंकि मेरा ये डेली का रूटीन है और आज आप लोगों के साथ शेयर की हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा लगा करके, और अभी थोड़ा थक गई हूँ तो अब घर जाती हूँ। और मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा कर आई थी, आज आलू पराठा नाश्ते में बनाऊँगी। तो बाबू अभी दोनों सोई है, और बाबू का पापा और मैं उठ गई थी जल्दी। ऐसे डेली ही उठती हूँ और साथ में ही घूमती हैं हम दोनों। तो आज फाइनली आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी घर चलते हैं, क्योंकि आलू भी उबल चुका होगा। तो अभी आलू पराठा का तैयारी करते हैं जाकर। आप लोग भी आ जाइए मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाय गाइस। तो हमारा आलू है दोस्तों, वो बॉईल हो चुका। अभी फ्लेम बंद कर देती हूँ, देख सकते हैं। जब तक जितने भी अभी गैस है वो निकलने देती हूँ, उसके बाद कुकर खोलूँगी। तो गाइस, हमारा आलू है वो बॉईल हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा मैं उसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ फ़ैन के पास। तब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ आलू पराठा के साथ। ना थोड़ा सा तीखी वाली चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो सरसों, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा खट्टापन के लिए इमली डालकर चटनी बना लेती हूँ दोस्तों। तो चटनी पीस कर रख देंगे ना तो अच्छा होगा। तब फिर आलू पराठा बना के डायरेक्ट नाश्ता कर सकते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं चटनी पीस गया है हमारा। तो उसके बाद एक ठो कटोरी में निकाल कर रख लेती हूँ चटनी को। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चटनी बना है दोस्तों। उसके बाद ना हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथ के रख देने से अच्छा सा फूली फूली पराठा बनती है दोस्तों। इसीलिए पहले आटा में थोड़ा सा रिफाइन और नमक और वो मंगरेला होता है ना, वो डाल के मैं अच्छे से गूँथ ली हूँ। देख सकते हैं आप लोग, उसको रख देती हूँ। अच्छे से ढक कर रख दिए हैं ताकि फूली, मतलब थोड़ा सा फूल जाता है ना आटा, तो अच्छा सा पराठा या रोटी बनता है। तो अभी देख सकते हैं मैं प्याज काट लेती हूँ और आलू का मसाला बना दूँगी, जो कि आलू फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं आलू हमारा ठंडा हो चुका था दोस्तों। तो अभी इसको मैश कर लेती हूँ अच्छे से हाथों से। और उसके बाद हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और सारा जो काट के रखी हूँ उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन सभी को डाल देते हैं। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका था, तो प्याज सारा मसाला जो है हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोस्तों, ताकि उसके बाद उसमें हम आलू ऐड कर देंगे। उसके बाद पहले थोड़ा सा सूखे मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया का पाउडर, जीरा और ब्लैक पेपर का पाउडर दोस्तों। उसको अच्छे से भून लेंगे, देख सकते हैं। और एकदम मतलब प्याज अच्छे से पक जाना चाहिए। तो देख सकते हैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। उसके बाद ना जो मैश किया आलू है वो अभी इसमें डाल देंगे, देख सकते हैं। तो
आलू को अच्छे से मिला लेंगे मसाला में, प्याज और मसाला जो है उसमें अच्छे से आलू को भी पूरा मिला लेंगे। तो हमारा जो ये आलू का मसाला है वो बनकर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो इसको भी ठंडा होने के लिए रख दिए थे, उसके बाद ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी जाने का भी टाइम हो गया था दोस्तों। तो मैं फटाफट से उनके लिए दो ठो पहले पराठा बना देती हूँ और उसके बाद बाकी का बनाऊँगी, वो खा लेंगे। तो बाबू को थोड़ा पकड़ेंगे, उसके बाद बाकी का बनाऊँगी। तो मैं रिफाइन ऑयल के साथ बना रही हूँ उनको, ऐसे घी, हम लोग घी डाल के बनाते हैं, उनके लिए नहीं बनाते क्योंकि उनको थोड़ा सा ना पेट, अभी टमी जो है वो बाहर आ रहा है, इसीलिए उनको घी का पसंद नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए रिफाइन ऑयल में बनाती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा एकदम, मतलब दबा दबा के सेकने से ना पराठा जो है अच्छा से सीझता है, अच्छे से पक जाता है दोस्तों। तो मैं उसको अच्छे से दबा दबा कर पका लेती हूँ। अभी ये पराठा जो है वो हमारा पराठा बिल्कुल एक तो रेडी हो गया दोस्तों, देख सकते हैं एकदम कुरकुरा सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। और एक तो बॉल में चटनी ले ली हूँ उनके लिए, तो अभी दूसरा पराठा डाल दिए हैं। तब तक मैं उनको देकर आ जाऊँगी पराठा और चाय और चटनी, देख सकते हैं चाय अदरक वाली है एकदम टेस्टी वाला, और ये चटनी। तो मैं फटाफट उनको देकर आती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी आज है वो धीमी कर दी हूँ गैस का फ्लेम कम करके, मैं उनको देकर आई हूँ। हमारी जो हाउस हेल्पर आती वो भी आ चुकी थी, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आती है, तो वो अपना काम कर लेगी, मैं इधर अपना नाश्ता का काम कर लूँगी। तो फटाफट से हमारा मतलब 9 बजे तक जो भी है वो काम हो जाता है। तो देख सकते हैं वो भी अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में तो बिजी रहते ही है दोस्तों, सबको अपना काम करना ही पड़ता है। उसके बाद देखिए बाबू का पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और छोटी वाली बाबू जो है सुबह अभी उठ गई है। तो उठने के बाद क्या है, बच्चों लोग को तो मतलब अपना काम जो होता है लैट्रिन बाथरूम वो कर ली थी, उसके बाद उसको मैं क्लीन कर दी हूँ। और बड़ी वाली बाबू को मैं वो रूम से यहाँ पर लाई हूँ, तो यहाँ पर आलसी जैसा सो गई है। तो अभी देखिए छोटी वाली बाबू को भी मैं कपड़े वगैरह पहनाकर वहीं पे बिठा दूंगी। तो अभी जा रही है पापा को छोड़ने के लिए बाहर, देख सकते हैं पापा ड्यूटी जाते हैं तो बाबू को भी साथ में गेट तक जाना होता है डेली। तो देख सकते हैं कितना खुश है, देख सकते हैं ड्यूटी जा रहे हैं अभी नाश्ता करके, और बाबू को एक बार ज़रूर घूमना होता है पापा के साथ, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो आज नहीं घुमाएंगे। और पराठा बन गया है, अभी इनको जाने के बाद हम और बाबू भी खा लेंगे। तो आ जाओ बाबू, बाय कर दो पापा को, चाचा 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 चाचा, आ जाओ पापा, चाचा चाचा टाटा 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 करो बाबा टाटा। तो मेरी बाबू पापा को पहुंचा कर आ गई है। हाँ देख सकते हैं आप लोग, बहुत धूप हो गया सुबह सुबह बाहर, बहुत ही धूप हो गया दोस्तों। तो देखिए मैं पूरा थक चुकी हूँ नाश्ता बना के, गर्मी है दोस्तों इसीलिए ज़्यादा से मुश्किल हो जाता है। और मेहंदी देख सकते हैं मेरी बाबू का मेहंदी बहुत ही कलर आ गया दोस्तों, देखिए बहुत सुंदर भी दिख रहा है, वही बाबू दिखा रही है आप लोगों को। और गाइस 2 दिन से जो मेरा फास्टिंग था, संडे को तो मतलब नहाए खाए जो होता है वो था, तो लहसुन प्याज उस दिन से ही बंद कर दिए थे। और फिर मंडे को तो फास्ट था, फिर मंगलवार बीच में आ गया, तो हम लोग कुछ खा नहीं पाए अच्छे तरीके से खाना। तो मेरा तो बाबू तो फीडिंग करती है ना, फीड करती है, इसीलिए थोड़ा सा ना वीकनेस जैसा हो गया, तबीयत ख़राब जैसा हो गया है। तो देखते हैं आज कुछ चटपटा सा बनाने का कोशिश करेंगे खाना में, तो इसीलिए सुबह सुबह आज आलू पराठा बनाए हैं कि थोड़ा अच्छा लगेगा, और सरसों लहसुन हरी मिर्च का चटनी बनाए हूँ दोस्तों, ताकि थोड़ा सा
अच्छा लगे खाकर। तो चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा था, दो तीन दिन इधर गैप हो गया, तो देखते हैं इसका पापा मछली या चिकन कुछ लेकर आएंगे तो फिर बनेगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरी बाबू को, तो अभी इनका सेवा करूंगी, मालिश वगैरह होगा, उसके बाद बाबू नहाएगी, हम भी नहाएंगे। और मेरा मेहंदी का कलर देखिए दोस्तों, बहुत ही आया था कलर मेरा, बहुत ही सुंदर मतलब कलर आया, देख सकते हैं क्या होता है ना, धीरे धीरे और भी कलर गहरा होते जाता है मेहंदी का, दो तीन दिन में ज़्यादा ही कलर पूरा गहरा हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं, आगे का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, हम ट्यूशन जा रहे हैं, बाय। मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी रहेगी वहाँ, उसका नाम है संदीप। तो मेरी मम्मी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बाय। तो गाइस अभी श्रीजल को ट्यूशन पहुँचाने जा रही हूँ, छोटी वाली बाबू सो गई है तो जल्दी से पहुँचा कर आ जाती हूँ। श्री बाबू को रेडी सेडी कर दिए हैं, तो बहुत धूप हो रखा है दोस्तों, चलो तो बाबू, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, छाता पकड़ो बेटा। तो बच्चों लोग के लिए अच्छा नहीं है ना धूप, इसलिए छाता ले लिए हैं। तो जा रही हूँ पहुँचाने के लिए। धूप बहुत हो रखा है दोस्तों, तो मैं ट्यूशन से बाबू को पहुंचा के घर जा रही हूँ वापस। तो धूप देख सकते हैं बहुत तेज वाली धूप है। तो फाइनली घर आ गए हैं दोस्तों बाबू को पहुंचाकर, देखती हूँ छोटू बाबू उठी है कि नहीं, तो नहीं उठी है, फाइनली देखिए सोई है मेरी बाबू, तो सोई है। तो मैं फटाफट से जो और घर का काम है कर लेती हूँ दोस्तों, और खाना का जो भी तैयारी है मैं करके रखती हूँ। ऐसे तो पापा इसका फ़ोन किए थे कि चिकन लेकर आएंगे, तो प्याज वगैरह है वो काट लेती हूँ, तैयारी रहता है ना पहले से तो अच्छा होता है। तो जो पूजा में मैं गला में ये सब हार वगैरह पहनी थी ना दोस्तों, तो वो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है रखने के लिए, तो सब मैं जो जैसे पैकेट में था वैसे करके रख दूँगी। तो देख सकते हैं ये सब हार वगैरह जो है मेरा कान का, ऐसा तीन को जैसे पैकेट में था ना वैसे रख देने से अच्छा हो जाता है और सेफ रहता है दोस्तों। देखिए बहुत सुंदर से इसको रखना पड़ता है क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं ये सब चीज़, अगर एक भी स्टोन निकल गया ना तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों।
बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होता है सब चीज़ें को। देख सकते हैं तो मैं इसको बहुत अच्छे से रख देती हूँ दोस्तों। देख सकते हैं जो बाबू लहंगा पहन कर गई थी सब होकर मैं ऐसे रखती हूँ। इनको फोल्ड करके रखना होगा उसको क्योंकि नहीं तो इधर रखने से ना ऐसे खराब हो जाएंगे। तो गाइस मैं जा रही थी प्याज काटने के लिए लेकिन इतने में ये जो कपड़े हैं वो धुल दी थी मैं तो सूख गया था तो बाहर से लाकर मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ दोस्तों क्योंकि प्याज वगैरह जो काटने से पहले जो नए कपड़े हैं उनको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ उसके बाद ही किचन में जाऊँगी। तो देख सकते हैं बाबू का जो कपड़ा है दोस्तों अच्छे से फ़ोल्ड कर दी हूँ और ये जो ब्लाउज़ है इनको नया सिलवा कर लाई हूँ तो इनको सब ऐसे ही हाथ से थोड़ा सा वॉश कर दी हूँ और अभी इसको रख देंगे फोल्ड करके ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो पहनने का होगा। तो गाइस देख सकते कितना सुंदर डिजाइन है ना पीछे नेक जो है बहुत ही सुंदर डिजाइन बनवाई हूँ और ये जो है यूट्यूब ऐसे नेट पे देखकर बनवाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगता है पहनने के बाद ना बहुत ही मतलब उभर के आता है डिजाइन। तो देख सकते हैं इसमें भी बहुत सुंदर डिजाइन दिलवाई हूँ और बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसे वाले डिजाइन। अगर आप लोग को भी पसंद होगा तो बनवा लीजिएगा बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे ना मैं बात कर रही हूँ दोनों बाबू खेल रही है दोस्तों आवाज़ जा रहा होगा माइंड मत कीजिएगा क्योंकि बाबू दोनों यहीं पे खेल रही है इसीलिए दोनों कभी कभी आवाज़ करती है। तो गाइस हमारा सारा काम हो गया खाना भी बन गया था तो अभी हम खाना खा लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं चिकन बन गया है और आज मैं रेसिपी नहीं बनाते हुए दिखाई हूँ दोस्तों क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बाबू तंग कर रही थी तो मैं ऐसे ही फटाफट बनाई हूँ। तो देख सकते हैं चिकन चावल और रोटी बनाई हूँ और थोड़ी सी सलाद कट की हूँ सलाद में प्याज और खीरा बस यही खाना है आज का हम लोगों को। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो देख सकते हैं हम और बाबू का पापा छुटकू बाबू भी बैठ गई है बैठा लिए हैं उसको भी बीच बीच में थोड़ी सी चावल उसको देती हूँ ना तो खाती है इसीलिए हम लोग साथ में खाते हैं तो उसको बिठा लेती हूँ ताकि आदत होगा उसको भी खाना खाने का। और बड़ी वाली बाबू को ना चिकन के साथ रोटी पसंद है इसीलिए उसके लिए रोटी दे दी हूँ अलग से प्लेट में ताकि खुद से खा पाएगी। और खुद से खाना तो सीखना ही पड़ेगा दोस्तों क्योंकि फिर उसको स्कूल जाना होगा तो टिफ़िन वगैरह तो खुद से खाना होगा ना इसीलिए मैं बोलती हूँ बाबू बीच बीच में खुद से खाओ तो सीख पाओगी। तो कभी कभी मान लेती है बात कभी जिद पकड़ लेती है कि नहीं मम्मा आप ही खिला दो। तो देखिए आज खुद से खा रही है और लेग पीस बोली है तो गाइस खाना पीना हो गया है हम लोगों का और अभी बाबू छोटी वाली सो गई है उसको सुलाई हूँ और हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और गाइस आप लोग से कुछ बात बोलनी थी मेरा जो वटसवित्री पूजा का वीडियो है उसको आप लोग इतना प्यार इतना मतलब प्यार दिए हैं आशीर्वाद दिए हैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिए मेरा वीडियो को आशा करती हूँ कि आगे वाला वीडियो को भी आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कीजिएगा प्यार दीजिएगा दोस्तों। बहुत खुश हूँ मैं कि आप लोग हम मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आगे करेंगे तो थैंक यू सो मच। जितना भी थैंक यू बोलूं दोस्तों कम होगा मेरे लिए। तो अभी आगे का वीडियो मैं डालूंगी तो आप लोग ज़रूर मेरे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में दोस्तों तो जो रेड कलर का घंटी रहता है सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको ज़रूर दबाइएगा दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो आज का पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय लव यू गाइस टेक केयर।